तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जोधपुर में एक अच्छा क्रिकेट मैच हम यहाँ दिखाने की स्थिति में, ट्रायल जो मैचेस हों उसको करा के इसको अप्रूवल बीसीसीआई से दिलवा सकें, तब जाके आईपीएल और दूसरे इंटरनेशनल मैचेस की संभावना बनेगी, बल्कि तभी संभव होगा। विशेष बात मैं आपको बार बार इस बात पे एम्फेसिस करता हूँ कि ये स्टेडियम हमारे हाथ में नहीं, जेडीए के हाथ में, जेडीए इसको पूरा कर रहा है। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लिकी लाया है QR कोड की शानदार ट्रिक, अभी डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। सबू पहले तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि शहर जुड़ी जुड़ी आपने बड़ी खबर मिल सके। आज मैं आपने खबर कर्म महीने लेने आयो हूँ बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो जोधपुर महीने है और अट्टे जी का RCA रहा चेयरमैन है, बार वर्तमान महीने अशोक गहलोत जी का अपना मुख्यमंत्री है, वहाँ बेटा है वैभव जी और वे अट्टे जाए जो लेना आयोड़ा है। अभी आपने भी विजिट किया, आपको क्या लगता है क्योंकि मई का जो कमिटमेंट किया गया उसमें कितना JD प्रशासन और जिला प्रशासन उपस्थित रहेगा? नहीं, आप सबको ध्यान होगा तो लगभग 3 महीने पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर पधारे थे मैंने निवेदन किया था कि एक समीक्षा आप कर लें अधिकारियों के साथ कि स्टेडियम की क्या प्रोग्रेस है, और मुझे खुशी है उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जी भी जोधपुर मौजूद थे और मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी ने दोनों ने मिलकर समीक्षा करी थी और उस टाइम जो निर्देश दिए गए उनके द्वारा अधिकारियों को, और मुझे खुशी है कि उस पर अब बात आगे और प्रोग्रेस बढ़ रही है। और कल भी हम प्रदेश अध्यक्ष जी जब जोधपुर उनका आगमन हुआ मैंने स्वागत किया उनका एयरपोर्ट पर, मैंने उनसे निवेदन किया था कि हम आधे घंटे की एक समीक्षा रख लें क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही थी उसके ऊपर और जिला कलेक्टर महोदय और JDC महोदय ने पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई, और मेरे को आज यहाँ पे आके अभी जिस तरह से हमने बातचीत करी है मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले महीनों में मई में काम जल्द से जल्द पूरा होगा ताकि हम आने वाले समय में यहाँ पे हम कुछ प्रपोज भी कर रहे हैं जून जुलाई में, और सब टाइम बाउंड हो गया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जोधपुर में एक अच्छा क्रिकेट मैच हम यहाँ दिखाने की स्थिति में। अभी तक की जो वर्क प्रोग्रेस है उससे आपको क्या नज़र आता है? ये देखिए निश्चित तौर पे क्यों कोरोना काल बीच में रहा, काफ़ी लंबा समय बीता और बीच में 3 जो वेव्स आई उसमें काम स्लो हुआ होगा उस टाइम, और जिस तरीके से लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 उस तरह से, तो काम की जो प्रोग्रेस थी अगर हम ये उस काम को और जो हो सकता था कि हम इसको और जल्दी करते, पर अब मुझे अब खुशी है कि अब ये काम वापस प्रोग्रेस पे। सर किस तरह से संभावनाएं व्यक्त की जा रही है क्योंकि हर कोई आपकी तरफ देख रहा है कि कब मैच की घोषणा हो, कब इस स्टेडियम को मैच मिले, पूरे राजस्थान का जुड़ेगा, पूरे 8 करोड़ जो राजस्थानी है वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए मैंने शुरू से सभी को कहा, जोधपुर में मीडिया को भी कहा कि हमारे लिए तभी संभव है जब JDA इसको पूरा करके हमको सौंपे, BCCI और डोमेस्टिक टूर्नामेंट हम यहाँ ट्रायल जो मैचेस हों उसको करा के इसको अप्रूवल BCCI से दिलवा सकें, तब जाके IPL और दूसरे इंटरनेशनल मैचेस की संभावना बनेगी, बल्कि तभी संभव होगा, नहीं तो अन्यथा जब तक पूरा करके हमको नहीं दें जब तक RCA के हाथ में कुछ नहीं है, और आज भी ये स्टेडियम RCA के हाथ में नहीं है, ये स्टेडियम JDA के हाथ में। ये विशेष बात मैं आपको बार बार इस बात पर एम्फेसिस करता हूँ कि ये स्टेडियम हमारे हाथ में नहीं, JDA के हाथ में, JDA इसको पूरा कर रहा है, RCA इसको पूरा नहीं कर रहा है, JDA इसको पूरा करके देगा, हमारा रोल तो तब चालू होता है, हम तो केवल एक यहाँ पे असिस्ट करने के हिसाब से यहाँ पे आते हैं कि भाई RCA की हमारी टेक्निकल टीम जो जयपुर में रहती है उसको हम भेजते हैं, तपोस जी को भेजते हैं, उनको तो हम भेज के यहाँ पे असिस्ट करने का काम करते हैं कि जो BCCI का मापदंड है उसको हमारा RCA की टेक्निकल टीम समझती है, तो वो कहीं उसमें कहीं कोई ऊक चूक नहीं हो, वो हम कोशिश करते हैं कि हम इनको यहाँ पे सपोर्ट दें। आपको क्या लगता है कब तक मैच? जल्द से जल्द जब भी ये पूरा हो, पहले तो अपन ये बात करेंगे कि ज़्यादा है सर क्योंकि जोधपुर से लगातार IPL के लिए लड़के चयन हो रहे हैं। नहीं देखिए रवि विश्नोई जी और जब से हमने शुभम जब से हमने RCA की नई कार्यभार संभाला हमने 2019 में, हमारी ये कोशिश रही कि हम पूरे राजस्थान से जहाँ प्रतिभाएं हैं, चाहे वो जोधपुर हो, मारवाड़ हो, शेखावटी हो, कहीं से भी हो, हम उस प्रतिभाओं को निखार के आगे IPL में हम उनको भेज सकें, ये हमारे स्टेट एसोसिएशन की हमेशा कोशिश है। सर स्टेडियम के विस्तार के साथ साथ एकेडमी की कोई योजना नहीं उसके बारे में? वो बात की बातें हैं, पहले हम एक बार स्टेडियम पूरा कर लें उसको फिर, क्योंकि स्टेडियम हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके मालिकाना हक हमारा RCA का नहीं है, ये तो सरकार फिर बाद में तय करेगी कि इसमें साइड में एकेडमी भी शुरू करनी है, MOU अभी MOU क्या करना चाहेगी सरकार, तो हम तो उस स्टेज पे भी आए नहीं हैं।
सर पहले सर जेसी को लेकर काफी खिलाड़ियों को संशय है, उसमें आप आरसी स्पष्ट करें सर जेसी को लेकर क्या? नहीं वो तो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, कोर्ट ने तो मना भंग कर दिया सर, लेकिन फिर भी नहीं, हमारी एडहॉक कमेटी बन गई है। शैतान सिंह सांकला जी आइए, शैतान सिंह सांकला जी एडहॉक कमेटी के कन्वीनर बनाए गए हैं, और जो मुझे मालूम है उसमें कोर्ट ने इसका भंग करके और एडहॉक कमेटी बना रखी है। और हम हमारी मान्यता अभी जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन में जब भंगी हो गई, कोर्ट द्वारा भंग कर दी गई है, तो उसके बाद कोई बातचीत करने की रहती नहीं है कि हम उसको आगे क्या कहें। पर एडहॉक कमेटी का हमें पता है, हमें कोर्ट ने ये पेपर भेजा था कि जोधपुर में एडहॉक कमेटी बनी हुई है और एडहॉक कमेटी के कन्वेनर शैतान सिंह जी हैं। जो कोर्ट की तरफ से जो कागज़ हमारे पास जयपुर में आया है वो ये बोलता है सर, एलिवेटिक रोड को लेकर शेखावत जी ने काफ़ी प्रचार प्रसार किया, तो वहाँ केंद्र में ऐसा देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया कि एलिवेटेड रोड की जो बात कर रहे थे कि मैंने सैंक्शन करा ली है केंद्र सरकार से, मैं पूछना चाहूँगा जब सैंक्शन हो गई तो जब राज्यसभा में लोकसभा में प्रश्न पूछा गया तो माननीय केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया कि ऐसी कोई सैंक्शन केंद्र सरकार द्वारा दी नहीं गई है। तो माननीय यहाँ के सांसद मोदी जी इस बात में जनता को जवाब दें कि जब इस तरह से झूठे तथ्य क्यों जनता के सामने लाए गए जब वो एलिवेटेड रोड सैंक्शन ही नहीं हुई, तो ऐसी बात क्यों कही गई? मैंने स्टेडियम देख के नॉर्थ ब्लॉक में जिसको भी काम चल रही है उन्हें लेने भी बात करी है, और अगर बात करूँ जिका BCCI रहा और ICC रहा जिका मैं मानक पैमाना रिया कर वे अगर खरा उतर गया तो अटे आगे मैच होगा और कोशिश कर वाला जल्दी में जल्दी अटे जिका IPL होया कर MS तो चालू हो ही सके। एक बेर सवाल पूछियो के सा आपरा जिका अटे जोधपुर सांसद है गजन सिंह जी, वे पिछले महीने ज्यों अटे एलिवेटर रोड रो दियो तो अपन लोगों ने कैसा अखबार में भी आई थी कि भाई एलिवेटर रोड बनाला, और केंद्रीय मंत्री जी का नितिन गडकरी है परिवहन मंत्री, वे अब बार ध्यान हो तो सदन महीने मुकर गया था ये बात, तो अट लोगार महीने एक रोष भी है उन बात ने लेना है, तो उन्होंने भी सवाल पूछे तो वह कैसा इन वास्ते जनता जिम्मेवार है। खैर आप आभार तक जुड़ी उड़ा आप मारा थे जलको जोधपुर में, तो मारा नाम है नवजीत। जय हिंद, जय जोधाना।